तो आखिर बिटकॉइन अभी $42,000 के आसपास पहुंच चुका है और ये अपनी नेक्स्ट सपोर्ट की तरफ बढ़ रहा है, लेकिन इसी के साथ क्या इसका प्राइस अप जाएगा या डाउन जाएगा? इसी के साथ पूरी मार्केट में अगर हम फंडामेंटल्स देखें तो ऐसा कुछ भी नेगेटिव अवेलेबल नहीं है, और जो ऑप्शंस की एक्सपायरी थी वो पिछले फ्राइडे जा चुका है, चाइना का फंड था वो अभी जा चुका है, एंड आज के दिन बहुत ज़्यादा पॉजिटिव न्यूज़ आई है। वेल्स ने, इंस्टीट्यूशंस ने बहुत ज़्यादा बाइंग करी है क्रिप्टो की, इवन BTCs की भी, जिससे हमें जल्द ही पूरी मार्केट ग्रीन होती हुई दिख सकती है। इसी के साथ हम डिस्कशन करेंगे एक दो ऑल्टकॉइंस के बारे में जो अभी एक बहुत बड़ा पंप ले सकते हैं। तो अगर आप हमारे YouTube चैनल को फॉलो कर रहे हैं रेगुलर बेसिस पर, या फिर इसी के साथ टेलीग्राम पोस्ट को भी फॉलो कर रहे हैं, तो आपको हम रेगुलर बेसिस पर कुछ ना कुछ ऐसे अपडेट्स देते रहते हैं, इवन कॉइन्स की प्रेडिक्शंस देते रहते हैं, पूरा टेक्निकल एनालिसिस देते रहते हैं, जिसके बेसिस पर आप यहां एक अच्छा खासा प्रॉफिट कमा सकते हैं। और अगर आपको किसी भी पर्टिकुलर कॉइन के ऊपर वीडियो चाहिए या फिर उसके ऊपर एनालिसिस चाहिए तो वो भी हम आपको दे सकते हैं टेलीग्राम के ऊपर। तो अगर आप वहाँ नहीं जुड़े हैं तो अभी से वॉल्व ट्रेड ऑफिशियल चैनल के ऊपर जुड़ जाइए, जो आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का। इसी के साथ वॉल्व ट्रेड डिस्कस हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, आप डिस्कशन कर सकते हैं किसी भी कॉइन के बारे में। लेकिन आज हम जो वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं वो BTC की ही करने वाले हैं, यानी कि अभी नेक्स्ट कहां तक जाने वाला है। और इसी के साथ बहुत सी पॉजिटिव न्यूज़ है आज के दिन वेल्स की तरफ से, इंस्टीट्यूट्स की तरफ से, फेसबुक की तरफ से। इसी के साथ दो तीन और कॉइंस हैं जो अभी आपके लिए एक पॉजिटिव न्यूज़ लेकर आए हैं, तो वीडियो को पूरा देखते रहिए। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो अभी से वॉल्व ट्रेड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि अब तक सारे नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचें। तो ओवरऑल अभी हम देख पा रहे हैं कि मार्केट कैप भी करीब $1.872 trillion तक पहुंच चुका है। पहले थोड़ी पॉजिटिव मार्केट हो रही थी, लेकिन अभी फिर से ये नीचे गिरना शुरू हो चुकी है। नेक्स्ट सपोर्ट की बात करें तो करीब $1.75 trillion के आसपास है। इसी के साथ बिटकॉइन $42,000 से भी नीचे जा चुका है। इथेरियम भी बहुत बुरे तरीके से गिर रहा है। जितने भी ऑल्टकॉइंस हैं, लगभग सभी ऑल्टकॉइंस यहाँ रेड ही हमें दिख रहे हैं, पूरी मार्केट ब्लीड हो रही है। लेकिन क्या इसकी रिकवरी पॉसिबल है या नहीं आने वाले दिनों में, तो ये सब कुछ डिपेंड करेगा एक्चुअल में फंडामेंटल्स के ऊपर ही। तो कल के दिन हमने देखा कि $45,000 का एक जो रेजिस्टेंस है वो बहुत ही स्ट्रांग था, जिसकी वजह से बिटकॉइन उसको क्रॉस नहीं कर पा रहा और ये वापस को नीचे आ गया। तो इस पुलबैक से क्या कि $40,000 की सपोर्ट के आसपास चल रहा है, उसके बाद हमें शायद $38,500 की सपोर्ट तक मिल सकता है। लेकिन इसी के साथ अगर हम यहाँ एक एनालिसिस करें तो एनालिसिस के बेसिस पर हम देख सकते हैं कि यहाँ दो ट्रेंड लाइन्स हैं, एक लोअर ट्रेंड लाइन और एक अपर ट्रेंड लाइन है। तो लोअर ट्रेंड लाइन अभी ऊपर को ही जा रही है, जिसकी वजह से इसका प्राइस थोड़ा ऊपर को बाउंस होने वाला है। हालांकि रिजेक्शन अभी भी पॉसिबल रहेगी $45,000 के आसपास, लेकिन यहाँ से अगर ये ऊपर चला जाता है तो बहुत बड़ा बूम लेगा। इसके पीछे कारण एक ही है, अगर यहाँ वॉल्यूम्स आएंगी तो ऐसा हमें पॉसिबल होता हुआ दिख सकते हैं, और अभी वॉल्यूम्स आना कन्फर्म हो रही है। इसके पीछे कई सारे फंडामेंटल रीजंस हैं जो अभी हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहली चीज़ तो हमेशा सितंबर जैसे पूरा डंप रहता है, तो वो भी हमने देख लिया। सितंबर का एंड भी आ रहा है, तो जब भी मंथ का एंड अप्रोच होता है तो उस वक्त भी एक डंप दिखता है। लेकिन अक्टूबर में पंप हमें तभी दिखेगा अगर यहाँ वॉल्यूम्स बहुत ज़्यादा आती हैं। अगर आप नहीं जानते तो 2017 सितंबर में भी बिल्कुल ऐसा सेम हुआ था। बिटकॉइन बैन की न्यूज़ फैलाई थी, चाइना ने फंड क्रिएट किया था, जिसकी वजह से बिटकॉइन करीब 30% नीचे गिरा था। और कुछ हफ्तों में जब बिटकॉइन की रिकवरी हुई थी, यह अपना नया ऑल टाइम हाई मीट किया इसने दिसंबर में, तो ऐसा ही हमें देखने को मिल सकता है। लेकिन ये पॉसिबल तभी होगा पूरा Q4 अगर यहाँ बुलिश ही रहेगा। अगर आप यहाँ 2013 देखते हो और 2021 देखते हो, ये बिल्कुल सेम पैटर्न फॉलो कर रहा है। RSI जो है वो इसी तरीके से पहले भी नीचे गिरा था और अभी भी ऐसे ही है, क्योंकि वॉल्यूम्स कम हो रही हैं। तो आइए हम कुछ पॉजिटिव न्यूज़ के बारे में बात करते हैं। सबसे पहली चीज़ तो ये कि इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जो हैं, उन्होंने बिटकॉइन में बहुत ज़्यादा बाइंग करी है, एंड हर किसी ने चाइना का जो क्रैकडाउन है क्रिप्टो करेंसीज के ऊपर उसका फ़ायदा लिया है। तो क्रिप्टो में करीब 6 हफ्तों से लगातार इन्वेस्टमेंट्स बहुत ज़्यादा आ रही हैं, जो एक्चुअल में $95 मिलियन से भी ज़्यादा बन चुका है। लेकिन इस डंप में भी जो सलाना है, कडानो है, पोलकाडॉट है, या फिर अगर हम बात करें चेनलिंक की, तो ऐसे कुछ प्रोडक्ट्स हैं जो अभी भी बुलिश है या फिर उसी प्राइस पर टिके हुए हैं। इसी के साथ एक बहुत ही बुलिश न्यूज़ जो आई है वो कॉइनबेस की तरफ से आई है। तो उनका मानना है कि जो डिपॉजिट्स आप करते हैं एक्सचेंज में, वो आप डायरेक्टली पैसे दे सकते हैं ऑफलाइन और आप इससे डिपॉजिट कर पाएंगे। इसी के साथ जो आपको पेचेक्स मिलते हैं वो आप बिटकॉइंस में या फिर ऑल्टकॉइंस में ले सकते हैं बिना किसी फीस लिए या दिए। तो कॉइनबेस एक मेजर एक्सचेंज है जो US कस्टमर्स के द्वारा यूज़ किया जाता है, और जितना ज़्यादा ये यूज़ में आएगा उतना ही बुलिश रहने वाला है पूरा क्रिप्टो स्पेस, क्योंकि जो मेजर नंबर ऑफ यूज़र्स हैं, इन्वेस्टर्स हैं, वो USA में ही हैं। सेकंड नंबर की बात करें तो वो चाइना में है, लेकिन चाइना से भी मोस्ट ऑफ़ द ट्रेडर्स, मोस्ट ऑफ द माइनर्स वो शिफ्ट होना शुरू हो चुके हैं। मोस्ट ऑफ़ देम अभी डेक्स यूज़ करना शुरू कर चुके हैं, क्योंकि डेक्स, मैंने आपको कल ही बताया था कि डेक्स ऐसी चीज़ है जो अगर क्रिप्टो सच में बैन हो जाता है इंडिया में भी, तब भी हमें बहुत ज़्यादा काम आने वाला है।
ऐसे जो वेल्स हैं उन्होंने करीब 1.4 बिलियन डॉलर की बाइंग करी है चेनलिंक में। तो इस डिप में करीब 1 मिलियन से लेकर 10 मिलियन लिंक्स की इकट्ठी बाइंग करी है कई सारे एड्रेसेस पर। तो इसके एक्चुअल में एक पॉजिटिव न्यूज थी जो मैंने आपको कल ही बताई थी कि एक्चुअल में क्या है कि लिंक की पार्टनरशिप हुई है आडा यानी कि कार्डानो के साथ, जिसकी वजह से चेनलिंक का प्राइस लगातार बढ़ता हुआ दिख रहा है। तो ये पार्टनरशिप सिर्फ कार्डानो के साथ ही नहीं है बल्कि एवलांचे के साथ भी है। तो कार्डानो और एवलांचे हम ऑलरेडी जानते हैं इसलिए हमने होल्ड किया हुआ है। तो इसके प्राइस में बहुत ज़्यादा सर्ज आने वाला है जैसे यहाँ मार्केट रिकवर होगी। वैसे भी एवलांचे का अगर हम प्राइस देखें तो अभी भी करीब $66 के आसपास चल रहा है, कुछ खास यहाँ प्लंज नहीं दिखा। इसके साथ सबसे बड़ी न्यूज़ में से एक ये है कि फेसबुक ने अनाउंस किया कि $50 मिलियन की इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं वो अपने एक वर्चुअल मेटावर्स में। तो यहाँ वर्चुअल मेटावर्स का इंडिकेशन क्रिप्टो की तरफ भी जाता है या फिर ब्लॉकचेन के ऊपर ऐसा मेटावर्स बिल्ड किया जाएगा, क्योंकि एक्चुअल में फेसबुक यहाँ जो क्रिप्टो के डेवलपर्स हैं उनको हायर कर रहा है ये मेटावर्स बिल्ड करने के लिए। तो आखिर में हम डिस्कस करने वाले दो तीन ऑल्टकॉइंस के बारे में, सबसे पहली चीज़ तो ये है कि XRP और XLM के ऊपर बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ने वाला है क्योंकि CBDC बिल्ड किया जा रहा है क्रॉस बॉर्डर रेमिटेंस के लिए, और यही एक सबसे बड़ा यूज़ केस है रिपल का और स्टेलर का यानी कि XRP और XLM का, जिसके बेसिस पर ये अभी टिका हुआ था। लेकिन अगर इसका यूज़ के सेम यूज़ किया जाएगा CBDCs के द्वारा, अगर वहीं इसका सलूशन हो जाएगा जो कि और ज़्यादा चीप रहने वाला है और फास्ट रहने वाला है, तो XRP और XLM किसी काम के नहीं रहने वाले। और आखिर में अगर हम बात करें XRP या फिर कार्डानो ऐसे कुछ ऑल्टकॉइंस के बारे में, तो हम देख पा रहे हैं कि जब से BTC साइडवेज में है लेकिन जितने भी ऑल्टकॉइंस है जो स्ट्रॉन्ग है जैसे कि कार्डानो है या फिर एवलांचे है, तो अभी ये उसी प्राइस पर टिके हुए हैं, इनको कोई भी फ़र्क नहीं पड़ा है। अगर हम कार्डानो के सपोर्ट की बात करें तो ये करीब $1.9 के आसपास है, और अगर ये भी ब्रेक होता तो $1.3 तक जा सकता है, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है। मोस्ट प्रोबेबली तब तक मार्केट भी रिकवर हो जाएगी और ये $1.9 भी टेस्ट नहीं करने वाला। इसी के साथ अगर हम XRP की बात करें तो रिपल $0.8 की सपोर्ट पर टिका हुआ है, लेकिन अगर हम इसका करंट प्राइस देखें तो 0.9192 के आसपास चल रहा है। तो मोस्ट ऑफ द ऑल्टकॉइंस प्रूव कर रहे हैं कि अभी उनको खास फर्क नहीं पड़ने वाला। कुछ ऑल्टकॉइंस में अभी आपको बता देता हूँ जो आप इस प्राइस पॉइंट पे ले सकते हैं जो अभी प्राइस चल रहा है, और इसी के साथ कुछ ऑल्टकॉइंस के मैं आपको टेक्निकल एनालिसिस पूरा दूंगा हमारे टेलीग्राम चैनल के ऊपर जो है @WolfTradeOfficial, लिंक मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन में, और आप डिस्कशन कर सकते हैं @WolfTradeDiscuss, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अभी जो डिप में आप बाय कर सकते हैं, तो सोलाना बहुत ज़्यादा नीचे आ चुका है, अगर आपको ये $127 के आसपास मिलता है तो इसको ज़रूर बाय करना। पॉलीगॉन जो सिर्फ $1 का रह गया है इसमें आप बाइंग कर सकते हैं, थोड़ी सी क्वांटिटी ले सकते हैं क्योंकि बहुत लंबे समय के बाद अभी इसमें रैली आने वाली है पॉलीगॉन में। इथेरियम की बात करें तो इथेरियम को अभी आप लॉन्ग भी कर सकते हैं, करीब ये $3,200 के आसपास तक आराम से जाएगा। एक और सबसे स्ट्रॉन्ग कॉइन्स में से एक जो आपको बताना चाहता हूँ वो FTX FTT कॉइन, अभी आप बाय कर सकते हैं, $50 के आसपास चल रहा है। ये वही कॉइन है जो करीब $70-75 तक भी गया है। तो बाकी मैं आपको एनालिसिस के साथ और भी ऑल्ट कॉइन्स बताऊंगा हमारे टेलीग्राम के ऊपर, तो वहाँ हमेशा जुड़े रहना। एंड आपका क्या मानना है BTC के बारे में और XRP कार्डानो के बारे में, कृपया नीचे कमेंट करके बताएं। और नेक्स्ट वीडियो को किस कॉइन टॉपिक के ऊपर चाहिए भी नीचे कमेंट कर दीजिए। इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करते हुए हमारे चैनल WolfTrade को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि अब तक सारे नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचें। स्टे ट्यून्ड, WolfTrade साइनिंग आउट।